अगर पेशेंट है तो ऐसे जैसे जगह को जो सैया दीदी है वो सर्वे करती है, सर्वे से रिपोर्ट जाता है और हमारे भारत सरकार द्वारा वहाँ पर रात में कैंप लगता है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आया हूँ सिसे अंचल और अभी थोड़ा देर पहले जो है डीलर संघ की मीटिंग था, वहाँ जो स्पीच दे रही थी वो हमारे ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं और ये हमारे मीरा मैम है। फलेरिया के विषय में जो है काफ़ी बेहतरीन स्पीच दिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा विपक्ष के सामने जो है एक बार ये फिर से वही स्पीच को दोहराए। इसके लिए जो है इनसे मैं रिक्वेस्ट करके और थोड़ा सा टाइम मांगे हैं, तो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो मैम, आपका क्या नाम है मैम, बताइए। मेरा नाम मीरा शर्मा हुआ, मैं PCI से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ और खासकर फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रहा है उसके लिए मैं जागरूकता अभियान चला रही हूँ। और हमारा आज जो था PDS डीलर लग के साथ ग्रुप ओरिएंटेशन था, क्योंकि अभी जितना भी देखिए फलेरिया क्या है या फिर फलेरिया का दूसरा नाम हाथीपाव है, तो बहुत जगह देखा गया है कि मैं जितना आज तक विजिट की हूँ तो देख रही हूँ कि फलेरिया सिर्फ जान रहे हैं कि पैर फूलता है, पर फलेरिया का सिम्टम क्या है, उसे बचाव क्या है, हमें दवा क्यों खाना चाहिए और ये कैसे हो जाता है, ये लोगों को पता नहीं था। क्योंकि अभी भी जितने भी लगभग 81 हमारे PDS डीलर हैं सीसे ब्लॉक में, सारे लोग आए थे और सबसे बात हुई, तो सबसे बात हुई थी सभी का रिजल्ट तो आपको समझ में आ भी किया है, सबको स्पीच दिए, तो इसका दवा का कोर्स वगैरह या तो दवा किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए इसके विषय में थोड़ा सा आप बता दें। देखिए सबसे पहला तो फलेरिया जो है ना, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फलेरिया का कोई भी इलाज नहीं है, हमारा भारत सरकार जो है वो अभी MDA का जो प्रोग्राम चलने वाला है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, उसमें क्या है कि वो एक मच्छर है संक्रमित मादा मच्छर क्यूलेक्स होती है, उसके काटने से ये फलेरिया होता है ना, और ये मच्छर रात में ही काटती है, दिन में नहीं काटेगी। और जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं कि अगर कोई जगह पे फलेरिया का पेशेंट है, उस जगह पे 2-3 अगर पेशेंट है तो ऐसे जैसे जगह को जो सैया दीदी है वो सर्वे करती है, सर्वे से रिपोर्ट जाता है और हमारे भारत सरकार द्वारा वहाँ पर रात में कैंप लगता है और फलेरिया का जो ब्लड टेस्ट होता है वो रात में ही होता है, उसका इलाज अभी सरकार कोशिश कर रही चल रही है। हाँ वो चल रही है, और अभी तो सिर्फ एक चीज बोलेंगे, जो सरकार फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रही है, जो दवा है उसे सिर्फ रोकथाम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है, अभी भी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग इससे बहुत लोग प्रभावित हैं, है ना, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, जो प्रभावित हो गया सो प्रभावित शुरू से। इसका लक्षण है, जैसे हम देखेंगे कि पहला लक्षण क्या है, जैसे हमारी VVDC मैडम है शर्मिला मैम, तो उन्होंने भी ये बताया है, जिला की है, तो कि जैसे भी अगर पूर्णिमा या अमावस्या होती है उस पे क्या होता है कि मतलब बुखार हो जाता है, और इसका लक्षण, पहला लक्षण है कि बुखार हो जाता है। इस बीच में गांव वाले समझते हैं कि अगर पूर्णिमा या अमावस्या है तो लोग सोचता है कि डाइन है, डाइन प्रथा चल रहा है या फिर कोई नाश दिया है, ऐसा सोच करके वो सोचते हैं कि थोड़ा झड़ा लेने से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, वो फलेरिया का सिम्टम है कि उसको बुखार होता है, हर पूर्णिमा अमावस्या में ऐसा होता है। यहाँ फर्स्ट में रुकावट का कोई रास्ता नहीं है, रुकावट का एक ही रास्ता है कि आप दवा जो खा रहे हैं, आप नहीं भी है, आपको पता ही नहीं है कि फलेरिया आपके अंदर जीवाणु है, तो आप दवा, आप क्या पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। पता चलने का एक ही कारण है कि आप, पहला सिम्टम जो मैंने बताया, सेकंड क्या है कि हाथ पैर फूल जाता है, महिला में ब्रेस्ट जो होते हैं उस पर खुजली होता है और वो सूजन हो जाएगा, जिसमें इफेक्टेड होगा वो ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, दाखिले हो गया तब सूजन हुआ, हाँ तभी। चौथा क्या है कि हम लोग के मन में धारणाएं था कि हाइड्रोसिल हार्ड वर्क करने से या घूमने फिरने से ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, फलेरिया का जो जीवाणु है तभी जाकर के आपको हाइड्रोसिल होता है, ये भी साइड इफेक्ट, हाँ बिल्कुल हाइड्रोसिल उसी से होगा। और क्या है कि आप सबसे आसान उपाय देख सकते हैं कि आप जब भी दवा ले रहे हैं, आपको सैया दीदी दवा दे रही है, तो खाली पेट तो लेना नहीं है, खाना खाने के बाद ही लेना है। अगर खाना खाने के बाद अगर वोमिटिंग हो जाए आपको, तो समझिए आप फलेरिया के जीवाणु आपके शरीर में मौजूद है।
है ना, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। तो इसके बचाव का कोई फर्स्ट से कोई उपाय नहीं है? फर्स्ट से मतलब देखिए, जिसको हो गया है उसको सुधारा नहीं जा सकता है, जिसका कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी जैसे हमारे बच्चे हैं या कोई भी लोग है, तो समय से अगर अभी फलेरिया का जो जीवाणु है वो 5 साल तक जिंदा रहता है, 5 साल तक जिंदा रहता है, और उसको फलेरिया हाथी पांव बनने में 5 से 15 साल लग जाते हैं, 5 से 15 साल लग जाता है। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो हाथी पांव में बदल गया है, है ना। तो आखिरी क्या है कि जब भी आप दवा खाएं, अगर वोमिटिंग हो जाता है तो कोई बात नहीं, शाम में वापस से आप खाना खाने के बाद वो दवा फिर से लें, और सो जाए, है ना। तो ये दवा एनजीओ ऑफिस से कहाँ से उपलब्ध है इसको? ये हमारा भारत सरकार सभी जगह पे, सभी जिले पे यह कार्यक्रम चल रहा है, तो 10 फरवरी से 25 फरवरी ये कार्यक्रम चलेगा। उस बीच में सहिया दीदी आपके घर पे आएगी, स्कूल पे जाना है, और वो दवा को खिलाती है। सहिया दीदी आपके घर पे छोड़ेगी नहीं, वो आपको खाना हाँ जाना है, और वो सामने ही खिलाएगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सामने ही खाए, है ना, ले करके रखे नहीं, वही जगह सामने खा ले, बिल्कुल सामने खा ले। और क्या है कि आप देख रहे होंगे कि अभी मच्छरदानी का वितरण भी भारत सरकार चलाती है, राज्य सरकार भी चला रही है बचाव, लेकिन लोग मच्छरदानी लेते तो हैं, लगाते नहीं है। पहला तो मच्छर से बचाव करना है तो मच्छरदानी का उपयोग करना है। मच्छरदानी नहीं लगाते हैं उसके लिए जो है मैम सुझाव दे रहे हैं, और मच्छरदानी के विशेष में जो है ये बार बार कहा जा रहा है, मच्छरदानी के विशेष में आप थोड़ा बताइए कि लगाना कितना जरूरी है इसको? लगाना बहुत जरूरी है कि रात के समय में ये मच्छर जो फलेरिया का मच्छर है वो संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर है, वो रात के समय में ही आपको काटती है। फलेरिया का जो मच्छर है वो दिन में कभी नहीं काटती है, रात में ही काटती है। और देखा गया है कि आप देख रहे हैं कि अपने घर में साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखिए, जहाँ कूड़ा कचरा है उसको जलाने का प्रयास, गंदगी से भी फैलता है, बिल्कुल। और ये चीज खास ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप घर में देखेंगे, गांव में देखेंगे, एक छोटा गड्ढा किया जाता है, बर्तन धोते हैं उसके पानी का जमाव होता है, ये अक्सरियत है, तो जल जमाव जो होता है तो फलेरिया का जो मच्छर है ना, मादा मच्छर, वो वहीं पैदा होती है। इसलिए वो जो जल जमाव है उसको होने ना दे। अगर आप जमाव कर रहे हैं कि आसपास में देखा है मैंने गांव में कि पेड़ पौधे की वजह से वो जल जमाव करते हैं, कि रिसाव होता है, हाँ रिसाव होने से वहाँ हरा भरा रहता है, पर उसमें क्या करना है कि मिट्टी तेल जो है उसका छिड़काव कर दे उस पानी में, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, पानी लाना मुसीबत नहीं है पर उसका इलाज किया जाए, बिल्कुल। और जहाँ पर देखें कि आप इस तरह से गड्ढा है जो यूजलेस है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसको मिट्टी से ढक दीजिए या उसके ऊपर ढक्कन डाल दीजिए, है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये आप बचाव कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर चापाकल है उसके आसपास में भी बहुत सारा गंदगी है, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से लॉस करते हैं कि हम लोग उसको साफ सफाई नहीं करते हैं। बहुत सारा महिला मंडल है या हम सब हैं, आप जैसे लोग हैं, सब मिलकर के हम लोग एक सफाई अभियान भी चला सकते हैं, है ना, चला सकते हैं। मैं तो चलाने के प्रयास पूरा करूंगा। अगर हम लोग इस तरह से सपोर्ट करें और महिला मंडल की दीदियों का भी साथ ले, तो हम लोग सफाई अभियान अच्छी तरह से चला सकते हैं। मेरा यही बोलना है कि जो सहिया दीदी आएंगी उससे आप दवा लीजिए, खाइए, और एज वाइज ये दवा है ना, एज वाइज आपको दवा दिया जाएगा। तो दवा दो तरह का है, एक डीएससी की दवा है, एक अल्मेंडाजोल है। डीएससी पानी से खाया जाएगा, अल्मेंडाजोल को चबा के खाएगा। तो बहुत सारी धारणा ऐसे है कि ये गवर्नमेंट की दवा है, खुला है, खाएंगे नहीं, ऐसा सोच है, ऐसा बदगुमानी भी ना करे जो मैम बता रही, इसको केयर करेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का जो कार्यक्रम है बहुत सोच के चला जाता है, है ना, वो घर में जाकर के वो पैकेट में ही आता है, डब्बे में ही आता है, आप उसको जाइए खाइए, है ना, उसको ये मत समझिए कि तो सरकार आंगनबाड़ी या तो जहाँ पर कैंप लगाएगी वहीं रहेगी। 10 तारीख को बूथ लगेगा हर जगह, फरवरी 10 फरवरी को बूथ लगाया जाएगा, हर बूथ में ये दवा उपलब्ध है। और उसके दूसरे दिन से हर गांव में विजिट करना है। पिछले बार कम समय दिया गया था, इस बार 10 से 25 फरवरी है ये कार्यक्रम, तो 15 दिन का पूरा समय है, पूरा समय है कि आप हर स्टेट में, हर गांव में, हर जगह, बिल्कुल, आंगनबाड़ी में होगा, आंगनबाड़ी में होगा, या फिर आपके यहाँ सीएससी है वहाँ भी रहेगा, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ भी ये बूथ रहेगा। तो ये आपको 10 तारीख को हर जगह बूथ में होगा, उसके बाद सहिया दीदी डोर टू डोर जाएगी। अच्छा, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सहिया दीदी का वेट ना करें डोर टू डोर के लिए, आप अपने बूथ में जाएं और दवा खाएं। थैंक यू, आगे कदम को बढ़ाएं। ठीक है मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा खुशी लगा। तो मैं बताना चाहूंगा मैम, सर सुन रहे थे आप, ये मेरा मैम है, मेरा शर्मा इनका नाम है, और ये जो है अंचल का कोऑर्डिनेटर भी है, पीसीआई भी है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना सेफ्टी खुद से करें, मच्छरदानी को भी क्या कहते हैं, सो जितना
इनसे सुनने को मिला, मच्छरदानी भी सख्त जरूरत है लगाना, और अपना घर आसपास चपाकल वगैरह के पास जो है जल जमाव जो होता है बहुत ज्यादा गंदगी फैलता है, इससे भी मच्छर जो है उसमें फलेरिया का मच्छर वहीं पैदा होता है। तो इसमें जैसे कि मैम बताएं कि मिट्टी तेल का छिड़काव करना चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ छिड़काव? ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर आप डाल सकते हैं। फिनाइल फिनाइल वगैरह? फिनाइल डाल सकते हैं, बट ब्लीचिंग पाउडर जितना असरकार है, कारगर है वो, हाँ, वो मतलब कीटाणु को मारने में असरकार है। तो ब्लीचिंग पाउडर हो या तो मिट्टी का तेल हो, इसका छिड़काव करें, और बचाव तो सख्त जरूरत है गैस, क्योंकि बचाव नहीं करने पर जो है हमारे सरकार तो अभियान चलाएंगे, और सरकार जो है हर हद तक चाहती है कि किसी भी बीमारी को इंटर ना करने दे अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में, या तो अपने इंडिया पर सरकार करे भी तो क्या, सारा गंदगी का मालिक भी हम ही लोग है फैलाने पर, और हम लोग जो है कदम बढ़ा के गंदगी को साफ करने का कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं चलाते जिसके चलते जो है आज ये फलेरिया का बीमारी का शिकार हम लोग हो रहे हैं। क्या मैम इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि सर सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गाँव घर के जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं उसको मेरा व्यूअर्स को क्या मैसेज दीजिएगा कि सफाई के बारे में किस तरह सफाई करें जो कि ये फलेरिया से बच सके? देखिए आप सबको एक बात बता देती हूँ कि सभी गांव में जो राजस्व ग्राम है उसमें VHSNC एक कमेटी होती है ना, सहिया दीदी को 5,000 का वो फंड मिलता है, फंड उनके अपने सामान खरीदने के लिए भी मिलता है, या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर उससे खरीद सकती हैं, इस तरह से उनको 5,000 का फंड मिलता है साल में, तो आप उनसे सहयोग लेकर के आप अपने गांव घर को साफ सफाई रख सकती हैं, और खासकर महिला मंडलों के साथ, आप पुरुष वर्ग के हैं, बच्चे वर्ग के हैं या फिर महिला वर्ग के हैं, सारे लोग एक साथ एकजुट होइए और सारे सफाई अभियान में जुड़ जाइए, जितना आप साफ सफाई अपने आसपास की चीजों को रखेंगे, जो चापाकल के पास जो जल जमा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, उसको आप साफ रखिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, ये हमेशा सोच के रहिए, आपका स्वास्थ्य सब कुछ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, अगर आप विकलांग हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो फलेरिया है इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं यार, होने से पहले पहले आपको जो है मैडम की जबानी के थ्रू जो है आपको जल जमाव का और ये साफ सफाई रखने का ये जो एडवाइस दे रही है, इन पर आप अगर खड़ा उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि बीमारी से जो दूर दूर तक जो है वास्ता आपका नहीं रहेगा। इसके लिए जो है आपको मैम आपसे बात करके बहुत खुशी लगा, और मेरा विवश को बीमारी से बचाव के बारे में बता के और सुन के आपका एहसान रहा, और मैं कहना चाहूंगी कि आप अति कहना चाहूंगा कि आप जो है इसी तरह जैसा काम को कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, आपका तो ड्यूटी भी है, और गांव के लोग को जितना समझ में नहीं आता ऐसे गांव गांव भी सही जाएंगे जी, बिल्कुल हर घर तक भी जाएंगे, बिल्कुल जो राजस्व ग्राम है जहाँ पर सहिया है वो डोर टू डोर विजिट करेंगे हर हाल में। और एक्चुअली कि मुझे भी बहुत ये सब कम जानकारी था, लेकिन हमारा जो PCI NGO है उसके थ्रू मुझे भी बहुत कुछ जानने को मौका मिला, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ PCI की, कि मैं इतना जान पाई और आज आप लोगों को अवेयर कर पा रही हूँ, और इस पर आपको खुशी होगी। मीरा मैम, मीरा शर्मा मैम की जो है जबानी सुन रहे थे, किस तरह गंदगी से हर बात पर लॉजिक नहीं होता है, मैं बताना चाहता हूँ, हर बात पर लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक बनाना पड़ता है या लॉजिक ढूंढना पड़ता है, तो लॉजिक इसमें यह था कि आप जो है जल जमाव से बचना किस तरह है, मच्छर से पैदा होने से बचना किस तरह है, फलेरिया से किस तरह बचना है, ये सारा स्पीच जो है सारा एडवाइस आप लोगों को जो है मैम के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने के प्रयास किया, और इससे बचने के लिए जो जैसा वो बताए हैं उसी तरह कीजिए, और आप और हम सभी मिलके जो है गंदगी से छुटकारा पाने के लिए जो है मिट्टी तेल का छिटका और ब्लीचिंग पाउडर का जो और दवा को जो फालतू समझ के फेंकते हैं इसको मत फेंकिए, सरकार फालतू दवा को फेंकने के लिए उतना सारा पैसा खर्चा करके और हम तक नहीं पहुंचाता है, सरकार का काम है कि इतना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूं तो पब्लिक को नफा मिले, तो पब्लिक को नफा पहुंचाने के लिए सरकार इतना सारा पैसा खर्चा करके आप तक पहुंचाता है ये दवा को, तो इस दवा को फेंकने के बजाय इसको खा लिया करें, इस्तेमाल करने के बाद जो है आप जो है किसी ना किसी हद तक बीमारी से बचेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी बजाना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।